ये है रफीक अदनान, उम्र महज 30 साल, लेकिन वजन है 180 किलो। बिहार के कटिहार के रहने वाले रफीक की खुराक आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दो शादियां करने वाले रफीक दिन में 3 बार खाते हैं। उन्हें इतनी भूख लगती है कि परिवार से 10 गुना खाना वो अकेले ही खा जाते हैं। रफीक दिन भर में 4 किलो आटे से बनी लगभग 80 रोटियां खा जाते हैं। अगर चावल की बात करें तो 6 लोगों के परिवार में 1 किलो चावल भी काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ रफीक अकेले ही 2 से 3 किलो चावल खा लेते हैं। इसके अलावा 2 लीटर दूध और 1 से 2 किलो मटन या चिकन भी वो खाते हैं। ये इनकी एक दिन की खुराक है। क्या क्या खाते हैं? चावल, रोटी, दूध भी पीते हैं कभी कभी। चावल कितना खा लेते हैं? 3 किलो। और रोटी कितने आटा का खा लेते हैं? 2 किलो। दूध कितना पीते हैं? 2 किलो। 2 किलो। अपने बढ़ते वजन की वजह से रफीक ज्यादा चल भी नहीं पाते। 2 कदम चलते हैं तो थक जाते हैं। रफीक तो क्या उनकी गाड़ी भी उनका वजन नहीं उठा पाती। कभी कभार वो बुलेट का ही इस्तेमाल करते हैं। चलने में दिक्कत होती है? होता है। क्या दिक्कत होता है? थक जाते हैं। बुलेट आपकी वजन को नहीं सह पाता है? नहीं, कभी कभी भटभटा जाता है। बोलिए। फंस जाता है। गांव के मुखिया ने बताया कि रफीक का वजन 15 साल की उम्र के बाद से बढ़ने लगा। इसके पहले वो सामान्य वजन का था। लगभग 15 साल के बाद इस तरह का इसका शरीर में विकास आया। पहले तो नॉर्मल था, उसके बाद इसका खाना का क्वांटिटी भी बढ़ गया, चलने फिरने में इसको कठिनाई आ गया। 15 साल से इसको हम लोग बताते रहे कि इलाज करो, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा। अब इसको बहुत दिक्कत बुझा रहा चलने में। चल तो नहीं पाता, गाड़ी में हमेशा घर से आना जाना सब गाड़ी में होता है इसका। खाना पीना का? खाना पीना तो इसका बहुत मतलब कि हैवी है। आपको अभी मतलब कि 2 किलो चावल का और 2 किलो मीट बना के दीजिएगा तो अकेले खा लेगा, मिलेगा नहीं आपको इस तरह का। नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, लेकिन खाना का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसका। बैठने में दिक्कत होता है, उसको लेटरिन भी जाने में दिक्कत होता है। अब सवाल ये कि क्या रफीक किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर फेबियन अल्मेडिया का तो कुछ ऐसा ही कहना है। उन्हें रफीक का मामला देखकर लगता है कि उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर है। कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति कभी जरूरत से ज्यादा खाता है तो कभी जरूरत से कम खाता है। डॉक्टर फेबियन ने कहा कि ईटिंग डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं, जिनके काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इन दोनों डिसऑर्डर में बड़ा अंतर होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट अपने आप को पतला रखना चाहता है और इसके लिए वो बहुत ज्यादा सोच विचार करके खाता है, कैलोरीज का ध्यान रखता है। उसे हमेशा वजन बढ़ने की चिंता सताती रहती है और इस कारण उनका वजन कम हो जाता है। वहीं बुलिमिया नर्वोसा में पेशेंट का ध्यान हर वक्त खाने पर ही लगा रहता है, लेकिन खाने के बाद उसे अपने बढ़े हुए वजन को लेकर शर्म भी महसूस होती है। फिर वजन कम करने के लिए वो अधिक फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने आप को फोर्स करता है। बुलिमिया नर्वोसा वाले मरीजों में ये लक्षण नजर आते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।